ईरान से आए 500 हिंदू परिवार इस उम्मीद के साथ भारत लौटे थे कि उन्हें उनकी धार्मिक आजादी के साथ एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, एक आशियाना मिलेगा जिसे वो अपना कह सकेंगे। लेकिन पिछले 3 सालों से वो अपने देश में भी रिफ्यूजी कैंप में बाहरी लोगों की तरह जीने को मजबूर है। एक पहचान की तलाश, एक आशियाने की तलाश, इसी उम्मीद से आज से करीब 3.5 साल पहले 500 हिंदू परिवार पाकिस्तान से भारत आए। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें एक महफूज ठिकाना मिलेगा, उन्हें अपने लोग मिलेंगे। बहुत साल पराए लोग के साथ रहकर वो परेशान थे, इसलिए वो भारत आए। मैं इस वक्त हूँ दिल्ली के मजनू कटेला क्षेत्र में और ये जिस शरणार्थी कैंप में मैं हूँ इस वक्त वो है पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों का कैंप। और वे परिवार जो भारत आए थे अपनों की तलाश में, भारत आए थे अपना घर बनाने, अपना आशियाना, अपना महफूज ठिकाना बनाने, अपने धार्मिक रीति रिवाजों की जहाँ पे कद्र हो, जहाँ वो खुलकर उसे पूजा कर सकें। और इसीलिए इस शरणार्थी कैंप में फ़िलहाल 120 परिवार रह रहे हैं जिनमें कई तकलीफ़ें आ रही हैं, लेकिन एक उम्मीद है कि वो अपनों के बीच में है, वो अपने देश में है। ये वो मंदिर है जो ये पाकिस्तानी परिवार ने जब ये वो यहाँ आके बसे लगभग 2014 में, तो उन्होंने ये मंदिर यहाँ बनवाया। यहाँ हर धर्म के हर भगवान की पूजा होती है, वो चाहे हनुमान हो, विष्णु हो, सरस्वती हो, सब की पूजा होती है। एक मंदिर है, एक ठिकाना है। इनका कहना है कि पाकिस्तान में उन्हें मंदिर बनाने की अनुमति नहीं थी, वो मंदिर नहीं बना सकते थे, मंदिर बनाते थे तो वो चला दिया जाता था। यहाँ एक संतुष्टि है कि वो उन्होंने खुद से मंदिर बनवाया है, खुद से यहाँ हनुमान की पूजा कर रहे हैं और जितने लोग हैं, जितने परिवार हैं, वो आज एक साथ रह रहे हैं। यहाँ तो लोग आ गए, दिल्ली में आके बस गए। यहाँ पे दिल्ली के अंदर तीन शरणार्थी कैंप हैं जहाँ लोग इस वक्त रह रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान से अपनों की तलाश में, अपने ठिकाने, अपने लोगों के बीच में एक उम्मीद लेकर आए थे वो हिंदू रिफ्यूजी, क्या उन्हें वो ठिकाना मिला? क्या वो महफूज स्थान तक पहुँच सके? इस तिरंगे के सपने के साथ वो भारत तो आ गए। तिरंगे के लिए प्यार, तिरंगे के लिए गर्व ने उन्हें अपने देश तो खींच लाए वो, लेकिन क्या वो यहाँ महफूज हैं? इस शरणार्थी कैंप में अंदर चलूँगी, लोगों से बात करूँगी, पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों से बात करूँगी और देखते हैं वो कितने महफूज हैं, कितने सुरक्षित हैं अपने देश में, अपने वो लोगों के बीच में। पाकिस्तान से आए 500 हिंदू परिवारों में से 120 परिवार दिल्ली के मजनू कटीला क्षेत्र में आकर बस तो गए, लेकिन शरणार्थी कैंप में ये परिवार 3 साल बीत जाने के बाद भी टेंट्स और झुग्गियों में रहने को मजबूर है। जिस पर इनकी मुश्किलें तब और बढ़ गई जब बीते कुछ दिन पहले इस रेफ्यूजी कैंप को भीषण आग ने अपनी चपेट में ले लिया। पहले से अपने आशियाने की तलाश में लगे इन लोगों पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट गया हो। कैंप में लगी आग ने यहाँ रह रहे 120 परिवारों में से 28 परिवारों के छोटे से आशियाने को जलाकर खाक कर दिया। पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों में एक है सुखनंदन जी का परिवार। सुखनंदन जी जो इस वक्त यहाँ के प्रधान हैं, यहाँ के लोगों को एक तरीके से गाइड कर रहे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सुखनंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं इस वक्त हूँ शरणार्थी कैंप में जो कि मजनू कटेला क्षेत्र दिल्ली में है, और जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कैंप, जो ये जगह है, वो सुखनंदन जी बता रहे हैं कि ये जगह 28 तारीख को, पिछले 28 को ये जगह पूरी तरीके से जल गई थी और कई परिवार, लगभग 28 परिवार यहाँ अफेक्टेड हुए थे जो कि जल गए थे। फिलहाल उनके पास रहने की जगह नहीं है, वो ऐसे ही टेंट में रह रहे हैं और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे मुसीबतें भी बढ़ रही है। सुखनंदन जी, कैसे लगी थी आग यहाँ पे, कि कैसे परिवार इफेक्ट हुए थे? ये ऐसे है कि हम यहाँ चूल्हे की रोटी चढ़ाते हैं लकड़ी की, तो उसमें से कोई चिंगारी उड़ के घास फूस की झुग्गी थी उसमें जल चुकी है।
उसमें 28 झुग्गी जल चुकी हैं, उसमें हवा थी ज़्यादातर, इतनी भयंकर आग थी कि हम बताने में इतना 120 फुट की लटकें थी उसमें से निकली हुई, और जितने दरख्त हैं सारे जले हुए हैं, 120 फुट के 30 फुट के दरख्त वो भी जल गए पूरे के पूरे, तो इसका मतलब है आग ज़्यादा जली हुई थी। और 120 परिवारों में से 28 झुग्गियाँ जल चुकी हैं, परिवार बेघर हो गए, बाकी ये 2 बजे दिन को 2 बजे लगी थी आग। अच्छा, ये बक्सा आप दिखा रहे थे, ये ट्रंक भी क्या उस समय ही जल गया था? हाँ, ये बक्से हैं और भी सामान था, बिस्तरे थे, थालियाँ, कपड़े, जो भी अलमारी वगैरह, जो लकड़ी वकड़ी का सारा सामान जल गया, उसमें पासपोर्ट वगैरह भी जल चुके हैं, गवर्नमेंट के जो पासपोर्ट वो भी जल चुके हैं, बिस्तरे सारे जल चुके हैं, और जितना भी ये हो सकता है, ये जितना भी है सामान, सिर्फ बच्चे सिर्फ लेके निकाले, बच्चों को कुछ नहीं हुआ, बाकी सारा सामान, बिस्तरा, बेड, जो भी है, पैसे भी जले हैं इसमें, और जितना भी है सारा जल चुका मैडम। और यहाँ पे जितनी भी पेड़ हैं, अभी जो फ़िलहाल लोग यहाँ रह रहे हैं, जो परिवार जलने के बाद इफ़ेक्ट हुए थे, वो इस वक्त कैसे रह रहे हैं? वो इस वक्त टेंट लगा दिए हैं गवर्नमेंट ने, कुछ टेंट रह रहे हैं, टेंटों में रख दिए हैं, और किसी संता वालों ने दो दो कमरे, दो दो रजाइयाँ वगैरह अभी तक दिए हैं, बाकी तो अपना मजूरी करके खा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो आग लगी थी यहाँ पे, तो जितनी भी झुग्गियाँ थी यहाँ पे, जितनी भी झोपड़ी थे, सब जल गए थे, और ये वही सारे सामान है, वही सारी चीज़ें हैं जो आग में जल गई थी। आप देख सकते हैं बुरी तरीके से जल गई हैं, जितने भी चीज़ें, इनका कहना है कि ये चीज़ें वो निकाल नहीं पाए, बेटी की शादी के लिए इन्होंने बनवाया था, वो सारी चीज़ें जल गई हैं। फिलहाल इसी तरह इसी टेंट में, जो इन्होंने शिफ्ट बेसिस पे बनवाया है, इसी टेंट में रह रहे हैं, यहीं पे अपना काम चला रहे हैं, यहीं पे खाना खा रहे हैं। तो जैसे ठंड आ रही है, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, वैसे वैसे मुसीबतें तो और बढ़ती जाएंगी। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ें हैं इस शरणार्थी कैंप में। जी शुक्रिया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अंदर से कोई चीज़ नहीं निकाली गई, सिर्फ बच्चे और आदमी निकाले गए, बाकी सारा सामान जो भी था, सामान वो सारे जल गए, उसमें पैसे भी थे किसी गरीबों के 10,000-50,000, और उसके बाद पासपोर्ट भी जल चुके हैं, और ये टीन, मतलब सारी चीज़ें जल चुकी है। 120 फुट का जो पेड़ था, जिंदा पेड़ था, वो जल चुका है, राख बन चुका है, और पूरा मजनू टीले में 28 झुग्गी राख बन के, उसमें कोई सामान नहीं निकाला, सिर्फ आदमी और बच्चे निकाले हैं, बाकी सारा जल चुका है। आगे चलते हैं, परिवार से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं और पुरुषों से बात करते हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, दिन की रोटी बना रहे हैं, दिन की रोटी कमा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सुखनंदन जी, आगे चलें आपके परिवार के पास। इतनी मुसीबतों के बाद भी पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों के चेहरों पर अपने देश में रहने की खुशी साफ झलकती है, लेकिन पाकिस्तान में हुए जुल्मों के जख्म आज भी ताज़ा हैं। और इस वक्त 2013-2014 के मध्य पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों का एक पूरा ग्रुप हमारे साथ है, सुखनंदन जी का परिवार है इनमें। इनसे बात करती हूँ कि कैसे आए, सिंध से कब आए, क्या वहाँ पे क्या परिस्थितियाँ थी, यहाँ आके क्या परिस्थितियाँ बदली हैं। सुखनंदन जी, शुरू से बताइए, कैसे आए आप यहाँ सिंध से, कब ये डिसाइड किया कि आना है? हम 2013 में आए थे सिंध पाकिस्तान से, वाघा बॉर्डर से, उस बॉर्डर से, जोधपुर वाला बॉर्डर से आए थे 2013 में। 485 लोग आए थे हम लोग, तो आते ही ब्रिजवासन में रह गए थे। कैसे आए, वहाँ से आने का क्या वीज़ा, कैसे वीज़ा ऐसे थी कि मैंने जत्थे की वीज़ा ली थी, धर्म की वीज़ा ली थी, कुंभ नहाने की वीज़ा ली थी। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमारा दिमाग चेंज हो गया कि भाई हम भारत में रहेंगे, भारत से जाएंगे नहीं, हिंदुस्तान हमारा देश है, हम मेरे यहाँ रहेंगे। फिर आप ब्रिजवासन में रहे कितने, एक साल? ब्रिजवासन में एक साल तक रहे, उसके बाद हमने बोला अब एक कमरे में 40-40, 50-30 परिवार नहीं रख सकता, 15-15, 20-20 आदमी नहीं रह सकते कमरे में, तो हमने ये डेस्ट करा कि यमुना किनारे कहीं भी जगह देख के हम आके यहाँ बैठ गए। 2014 में बैठ गए यहाँ। 2014 से आप मजनू के टीला गुरुद्वारे क्षेत्र में, ये पूरा परिवार, लगभग 120 परिवार है जो यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, हम अगर सिंध की बात करें तो सिंध में क्या परिस्थितियाँ थी, क्या परेशानियाँ होती थी, क्या चीज़ें होती थी? देखो ना, यहीं परेशानी है तो हिंदू पाकिस्तान में तो हिंदू की तो परेशानी है ही है, जैसे 32 दांत के अंदर जबान रह रही है, इस तरीके से रहना पड़ता है। पढ़ाई नहीं है, बच्चों की लड़कियों की सुरक्षित नहीं है, धर्म का सुरक्षित नहीं है, धर्म के कोई व्यवहार नहीं है,
तो जमींदार लोग वहाँ के जो बन्नी खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए। महिलाएं क्या सुरक्षित नहीं है वहाँ? हैं? महिलाएं क्या सुरक्षित नहीं है वहाँ? महिलाएं सुरक्षित नहीं है इसलिए एक बाजार में जा नहीं सकती, जाती हैं तो फिर वहाँ के जो लोग हैं उठा के ले जाते हैं, फिर धर्मवर्तन करवा लेते हैं। ज्यादातर धर्मवर्तन होता है वहाँ हिंदुओं का। धर्म परिवर्तन की क्या लोग फोर्स किए जाते हैं धर्म परिवर्तन करने के? हाँ, तो धर्मवर्तन जबरदस्ती करा जाता है। बाकी इतने लोग हैं जो जिसको बुद्धि है भगवान ने दी, वो धर्मवर्तन नहीं कराते। ज़्यादातर 2 करोड़ में अब 20 लाख रह गए, तो कोई मर गया कोई धर्मवर्तन हो गया, इसलिए पाकिस्तान में कोई रह नहीं पाता, सुख नहीं है वहाँ। अच्छा, वहाँ पाकिस्तान में आपने बताया पहले कि मंदिर आप नहीं बनवा सकते थे ओपन में, लेकिन यहाँ आप लोगों ने इकट्ठा रूप से एक मंदिर बनवाया है। हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि त्यौहार व्रत धर्म नेम सारा हिंदुस्तान में है, तो हमने सारे 120 परिवारों ने इकट्ठा होके हनुमान जी का मंदिर बनाया हमारी कैंप में, और तिरंगा भी लहराया वहाँ। तिरंगा भी लहराया है, भारत माता की जय हो, और भारत माता में रहना चाहते हैं हम। अच्छा, एक बात बताइए, आप इन परिस्थितियों को छोड़ करके अपने घर अपने देश तो आ गए, यहाँ क्या मुश्किलें हो रही हैं, यहाँ क्या डिफरेंस क्या है पाकिस्तान में और भारत? यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, अपना कमाओ खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है, और जाते हैं बच्चे कमा के आ जाते हैं, 200-250 रुपये कमाते हैं, अभी रोजी रोटी अच्छी चल रही है, हमारा कैंप सही चल रहा है। हम इसी धर्म में भी रह सकते हैं और यही रहेंगे, हिंदू धर्म है हमारा, तो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, और हम बिल्कुल खुश हैं। त्यौहार का पता है, त्यौहारों का दिन का, सब हिंदू भाइयों से मिलके बड़ी खुशी हुई, और हम जिन्हें पाकिस्तान वापिस नहीं जाएंगे। बिल्कुल, हिंदुस्तानियों को भी बहुत खुशी हुई होगी। तो व्रत त्यौहार की बात करें, यहाँ के आप सारा त्यौहार आपकी महिलाएं त्यौहार मनाती हैं? सारा महिलाएं त्यौहार मनाती हैं, हिंदू धर्म का जितना भी है धर्म वो सारा महिलाएं मनाते हैं, और हिंदुस्तान हमें बहुत अच्छा लगा, ये हमारा ही देश है, हमारा ही देश में हम वापसी आ गए, वही हमारा देश है, अच्छी अच्छा लग रहा है हमें, बहुत बढ़िया। तो ये परिवार है इनका जो लगभग 120 परिवार तो यहाँ आ गए, यहाँ अपना धर्म इनको फॉलो करने की छूट है, अपना रीति रिवाज मना रहे हैं। पाकिस्तान में जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, घर से बाहर निकलने की पाबंदी थी, जैसा कि सुखनंदन जी बता रहे हैं, धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया था उन्होंने, फोर्स किया जाता था। पाकिस्तान के सिंध में जब ये परिवार रहते थे तो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरते थे, लेकिन अब उनका ये डर खत्म हो गया है, अब उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। उम्र में भले ही ये बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन आगे जाकर देश की सेवा करने का जज्बा इनमें अभी से दिखाई दे रहा है। आग लगी, मुश्किलें आईं, लेकिन ज़िंदगी अभी भी आगे बढ़ रही है। इस शरणार्थी कैंप में कई परिवार हैं, कई बच्चे हैं जो अब स्कूल जाने लगे हैं, भारत में उनको शिक्षा मिल रही है। सुखनंदन जी, यहाँ पे कितने बच्चे होंगे और क्या सब स्कूल जाते हैं? ये 200-250 के लगभग हैं बच्चे, सारे स्कूल जाते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, 7वीं वाले 8वीं वाला और 6वीं वाला 5वीं वाला 3वीं वाला सारे बच्चे जा रहे हैं। अच्छा, और पाकिस्तान में जब आप सिंध में रहते थे, सिंध प्रांत में, तो वहाँ क्या स्कूल जाने का प्रावधान था? नहीं, वहाँ तो हम लड़कियों को ना लड़कों को भेज नहीं सकते, ना पढ़ा सकता, वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं है, क्यों कुरान शरीफ वगैरह पढ़ाई जाती है, हम हिंदू लोग हैं, हम वो पढ़ नहीं सकते। यहाँ आए हैं तो हम गीता श्रीमद् भागवत वगैरह ये वो स्कूल के सारे पढ़ते हैं बच्चे, सही है हमारे बच्चे अब जी। तो यहाँ पे इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। कई सारे बच्चे हैं जो इस वक्त स्कूल से वापस लौटे हैं, घर आए हैं। क्या नाम है आपका? राधा। राधा, कौन से क्लास में हैं आप? फिफ्थ में। कौन से स्कूल में? अरुणानगर। अरुणानंदन, क्या पढ़ती हैं स्कूल में? सब कुछ पढ़ते हैं। क्या क्या? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक विज्ञान। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? 12। 12। आप जब पाकिस्तान का कुछ याद है आपको, जब वहाँ से आई थी, वहाँ स्कूल जाती थी या नहीं जाती थी, वहाँ कैसा माहौल था, यहाँ कैसा माहौल है? नहीं याद है। अच्छा, और भी कई बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। बाबू, आप कौन सी क्लास में हो? 2। क्या क्या पढ़ते हो स्कूल में? क्या क्या पढ़ते हो आप? मैथ, इंग्लिश, हिंदी, SST, साइंस, सारी पढ़ाई है। कौन से क्लास में? 5। क्या नाम हुआ आपका? श्रीचंद। श्रीचंद जी, मज़ा आता है पढ़ने में? क्या बनना है बड़े होकर? देश की सेवा करनी है और पुलिस ऑफिसर, और वैसे देश की सेवा करनी है। तुमको क्या करना है बड़े होकर? पुलिस।
पुलिस बनना है? आपका क्या सपना है, क्या करेंगे बड़े होकर? जो मम्मी पापा बनाएंगे वो बनेंगे जी। तो जितने बच्चे हैं यहाँ पे देश की सेवा करना चाहते हैं, भारत देश आए हैं, अपनों के बीच आए हैं, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, जो मम्मी पापा बनवाएंगे वो बनना चाहते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उन परिवारों से जो बीते 3 सालों से यहाँ जिंदगी गुजर बसर करने की कोशिश में लगे हैं।